Hello lovely people, how are you doing today? First of all, I would like to thank all of you for your support and love as we have crossed 100 subscribers, so thank you so much. Today we are going to talk about the service experience of Toyota Urban Cruiser. Toyota ki service kaisi hai? Aage aapko footage dekhne ko milegi. You see the footage. Aur puri video ko end tak dekhna, kuch bhi miss mat karna, so that you know ki Toyota ka service ka experience kaisa rehta hai. तो हाँ जी गाइज, अपन आ गए हैं सेकंड सर्विस के लिए टोयोटा पे। पहली का एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठाक था, वॉशिंग इतनी बढ़िया नहीं करी थी। सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा होता है देखते हैं। फाइनली सर्विस वालों ने बोला था कि गाड़ी खाली कर दो, ये चार बैग भर के मेरा सामान निकला, पता नहीं क्या क्या भरा है गाड़ी में अपन ने। और गाड़ी हो गई है खाली, और यो इंस्पेक्शन के किसी को बुलाया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी बैलेंसिंग में इशू है, चेक करवा लो। अगर चेक हो जाएगा, टेस्ट ड्राइव हो जाएगी, फिर पता चलेगा क्या सीन है। वो खड़ी अपनी कार। आ गए सर्विस बे में, हमारे एडवाइज़र हैं मिस्टर सलमान। आप फुटेज में ले लूँ आपको? सलमान जी ने मेरा स्टेयरिंग चेक किया, जो मेरे को स्टेयरिंग का इशू था, उन्होंने कहा ठीक बात है। तो इनको टायर रॉड एडजस्टमेंट करनी है, इन्होंने बोला अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली पहला एक्सपीरियंस मेरा है कि टोयोटा फूल अराउंड नहीं कर रहा है। इन्होंने बताया जेन्युइन सी चीज़ है कि इतना सा काम होगा, वो करवाइए, हैंड टू हैंड हो जाएगा दो मिनट में। तो एक्सपीरियंस अभी पूरी सर्विस होगी गाड़ी की, फिर बात करते हैं। एडजस्टमेंट हो रही है, टायर रॉड की एडजस्टमेंट कर दी, बस हो गई एडजस्टमेंट, हो गई एडजस्टमेंट, बस इतना सा ही काम था। जो आपने 8 सेकंड की वीडियो देखी, लगभग सामने वाले को 12 सेकंड या 13 सेकंड लगे, टाई रॉड के एडजस्टमेंट कर दी और काम हो गया अपना सेट। किलोमीटर हो गया 5248। अमित जी आए टोयोटा के सर्विस सेंटर से, मेरी गाड़ी छोड़ने आए थे, तो मैं इनको वापस टोयोटा के सर्विस सेंटर पे छोड़ने जा रहा हूँ। इनको छोड़ के फिर ये काम करते हैं अपन। तो कुछ इतनी ही फुटेज में रिकॉर्ड कर पाया सर्विस सेंटर पर। एज पर द पॉलिसी दे डोंट अलाउ अस टू रिकॉर्ड वीडियोज एट द सर्विस पे, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये थी मेरी गाड़ी की सेकंड सर्विस 5000 किलोमीटर्स की, जिसमें जनरल इंस्पेक्शन और क्लीनिंग होनी थी, जिसकी अगेन मेरी कॉस्ट आई 0। क्या मुझे अच्छा लगा सर्विस में? फर्स्ट दे ट्राई एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि हमारे हिसाब से वो एडजस्ट कर लें। सेकेंड चीज़ मुझे अच्छी लगी, जैसे कि आपने फुटेज में पीछे देखा जो मैंने सर्विस सेंटर पर रिकॉर्ड करी, मुझे लगा कि बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिक ने चेक किया, बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो इशू था वहीं 10-12 सेकंड के आपने जो फुटेज देखी वहाँ सॉर्ट कर दिया गया। दैट गिव्स मी एन इम्प्रेशन कि टोयोटा डजन लाइक टू फूल अराउंड। एक अच्छा टेक अवे और ये है, चाहे फॉर्च्यूनर चला रहे हो 40 लाख की, चाहे आप ग्लांजा ले रहे हो 8-9-10 लाख की, कई जगह पे होता है ना थोड़ी सी पार्शियलिटी हो जाती है कि अच्छा बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, थोड़ी सस्ती गाड़ी है तो चलो सेकेंडरी हो गए। नहीं, दे ट्रीट एवरी कस्टमर इक्वली, चाहे फॉर्च्यूनर ओनर हो चाहे आप ग्लांजा ओनर हो। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कंपनी की। एंड अदर कार मैन्युफैक्चरर्स शुड आल्सो लर्न दिस फ्रॉम टोयोटा, तो थम्स अप फॉर दिस। नेट पैकिंग करनी ही है, तो वॉशिंग से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था पहली सर्विस में भी, सेकंड सर्विस में भी, बट अगेन वो एक नेट पैकिंग वाला इशू हो जाता है। तो कुछ ऐसा था मेरा सेकेंड सर्विस का एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो शेयर। थैंक यू।